हेलो फ्रेंड्स, मैं यतीन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक टॉपिक 12th क्लास के लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 2 है ये, और इसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। कोई फंक्शन From A to B, ये क्या है कि ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। 1-1 ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं हम, बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो क्या होगा, उसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हुई। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमें दे रखा है साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स, ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इनवर्स साइन एक्स की होल पावर -1, ये मतलब नहीं है इसका, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्हें इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको 1/sin x लिख दें, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हम कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं मैथमेटिक्स की। अगर वो प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर वे में याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है कई जगह। तो उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। पहले तो हम इनको फंक्शंस को देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो सर्कुलर फंक्शन होते थे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, उनका जो वहां रेंज होती थी वो यहां क्या होगा, डोमेन होगा। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, दोनों का ही -1 से +1 क्लोज्ड इंटरवेल, -1 से +1 क्लोज्ड इंटरवेल। ये कोई भी रियल नंबर -∞ से +∞, -∞ से +∞, और ये -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये क्या होगा, यहां डोमेन होगा इनका, रेंज इनकी ये होती है क्लोज इंटरवेल -π/2 से +π/2, इसकी होती है क्लोज इंटरवेल 0 to π, इसकी होती है ओपन इंटरवेल -π/2 से +π/2, इसकी होती है ओपन इंटरवेल 0 to π, इसकी होती है क्लोज इंटरवल 0 से π, और sec किस पर डिफाइन नहीं होता है, π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। तो इसमें से π/2 माइनस कर लेंगे, -π/2। इसी तरह से इसकी होती है cosec की -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, और cosec किस पर डिफाइन नहीं होता, 0 पे, तो -0 इसमें से बाहर करते हैं। ठीक है, तो ये इनके डोमेन और रेंज होते हैं किनके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब आते हैं हम तो ये देख के मालूम चल रहा होगा, देखिए रेंज कहां से कहां तक जा रही है,
ये 5/2, ये 0, ये -π/2 और ये मान लीजिए पाई। तो एक तो -π/2 से π/2 तक जा रही है इसमें, और एक 0 से पाई यानी इसमें आ रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज हो रहा है, सेकंड हो रहा है और फोर्थ हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं हो रहा। तो ये ध्यान रखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम प्रॉपर्टीज पर। देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स, लेकिन कब, व्हेन सॉरी एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 हो तो। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, वही रेंज याद रखेंगे। टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, ठीक है। इसी तरह से कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π। सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्या था, क्लोज्ड 0 to π और -π/2। इसी तरह से कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 -0। तो ये तभी x के बराबर होंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जो बताई हमने, इसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, पहले वाला क्वेश्चन है ये, तो साइन इनवर्स साइन π/4। अभी हमने डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर, कब, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 के बीच लाई करे। तो देखिए एक्स की जगह यहां कितना है, π/4, और π/4 लाई कर रहा है इसमें -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे सीधे π/4 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। -90 +90 और ये कितना है 45, तो -90 और +90 के बीच पड़ता है 45, तो लाई कर रहा है इस इंटरवल में, तो ये इतना आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। ये कब सेटिस्फाई होता था, जब यानी कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता था, एक्स बिलोंग्स टू
क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, यानी 0 से 180 के बीच लाई करें, तो 2π/3 कितना हुआ 120, तो 120 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा ये सीधे सीधे 2π/3 के बराबर हो जाएगा। तो ये आंसर होगा इसका सेकंड का, ठीक है। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो कंडीशन वही वाली है, 0 से π के बीच में लाई करना चाहिए, ऊपर 7 है नीचे 6 है तो 1 से ज्यादा है, यानी ये वैल्यू पाई से ज्यादा हो रही है, तो ये 7π/6 नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, तो हम इसका आंसर 7π/6 नहीं लिख सकते, हमें 7π/6 को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसे ब्रेक कर लें, कॉस 7π/6 को हम लिख सकते हैं 2π-5π/6, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 12 12-5 कितना हो जाएगा 7, तो यही मिल रहा है हमें इसे सॉल्व करके, तो इतने में ब्रेक कर सकते हैं। 2π-θ क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसे, तो कॉस 2π-θ को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया कॉस इनवर्स कॉस 5π/6। अब ये जो 5π/6 है ये पाई से कम है, तो ये 0 to π में लाई कर रहा है, यानी 5π/6 बिलोंग्स टू 0 to π, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 5π/6। तो इसलिए प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट हैं, नहीं तो आंसर अगर हम यहां 7π/6 लिख देते तो वो गलत हो जाता, आंसर क्या होगा 5π/6, क्योंकि 7π/6 0 to π में लाई नहीं कर रहा था, इसलिए हमको उसे ब्रेक करना पड़ा और ये आंसर हमारा आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, टेन इनवर्स टेन 2π/3, टेन इनवर्स टेन 2π/3, तो टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स होता था एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 का ओपन इंटरवल, यानी -90 से +90, और 2π/3 कितना होता है 120 होता है, तो लाई नहीं कर रहा है इसमें, तो इसे भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन 2π/3 को कितना लिख सकते हैं हम π-π/3 ये लिख सकते हैं, लेकिन 2π/3 को तो लिख दिया, लेकिन π-π/3 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में 10 कैसा होता है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 इनवर्स 10 नेगेटिव आएगा तो माइनस का 10π/3 ये आएगी, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन -π/3, क्योंकि टेन -θ इक्वल टू -10θ होता है। अब -π/3 कितना हुआ -60, -60 -90 और +90 के बीच में लाई करेगा, तो ये कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू -π/3, तो ये आंसर होगा इसका -π/3, ठीक है। अब आइए इस पे कॉस कॉस इनवर्स -√3/2 और +π/6 ये है। देखिए कॉस इनवर्स -√3/2, √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है, यानी π/6 की, और ये किस क्वाड्रेंट में होगा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी π-π/6 कितना हो गया 5π/6,
तो ये नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी, 5π/6 की होगी, तो cos, और ये हो जाएगा cos इनवर्स 5π/6, और यानी ये हो गई किसकी, cos 5π/6 की वैल्यू, और प्लस π/6, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 5π/6 प्लस π/6, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व होगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये आंसर होगा। तो इस तरह से फर्स्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे, ठीक है। आगे कराते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस, ओके। देखिए अभी हमने देखे क्वेश्चंस फर्स्ट प्रॉपर्टी पे किस तरह से सॉल्व किए, अब देखते हैं प्रॉपर्टी सेकंड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, पहले था साइन इनवर्स साइन एक्स, अब है साइन साइन इनवर्स एक्स, ये भी इक्वल टू एक्स होगा, लेकिन कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1। इसी तरह से कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1। टेन टेन इनवर्स एक्स कब होगा, एक्स के बराबर, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से +∞, यानी कोई भी रियल नंबर। कॉट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू -∞ से +∞। सेक सेक इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞, और यही कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स के लिए होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, कि अगर एंगल माइनस में, जो एक्स है ये माइनस में हो, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स किसके, माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये वैल्यूज हम ध्यान रखेंगे, तो इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड वाली जो है ये केवल माइनस बाहर आ जाएगा, और इन वालों में क्या होगा, पाई माइनस होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से याद रखेंगे, काफी यूज होती है ये प्रॉपर्टी। तो कभी कभी हम क्या कर जाते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अब इन पर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन कॉस इनवर्स 3/5, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहां कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स होता तो बात बनती है हमारी। इसे करने के लिए हमें क्या करना है, कि हम लेट कर लें, लेट कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू वाई, तो कॉस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3/5। कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ट्रायंगल रूल लगाएं तो बेस 3 और हाइपोटेनियस हो गया 5, तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से साइन वाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4/5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, साइन इनवर्स 4/5। तो y किसके बराबर था, कॉस इनवर्स 3/5, यानी ये y था, तो और ये भी हमने y निकाला, साइन में आ गया लेकिन, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन साइन इनवर्स 4/5। प्रॉपर्टी क्या थी, साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता था, लेकिन कब, एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1, तो ये वाली वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच लाई कर रही है, तो कितना हो जाएगा, 4/5, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, नोट करिए इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है कॉस टेन इनवर्स 3/4, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, तो टेन वाई इक्वल टू 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है 10, तो ये हो जाएगा 3 और ये 4, तो ये पाइथागोरस से 5 आ जाएगा। हमें निकालनी किसकी, कॉस में वैल्यू लानी है, तो कॉस वाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो सॉरी परपेंडिकुलर वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, तो y इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 4/5, ये वैल्यू आ गई y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5, और y किसके बराबर था, 10 इनवर्स इसके, तो इसकी जगह हम कॉस इनवर्स में इतना लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा कॉस कॉस इनवर्स 4/5, तो कॉस इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा वो, तो कितना आ गया 4/5, और ये 1 से माइनस 1 से प्लस 1 के बीच लाई करना चाहिए जो कर रहा है, तो आंसर हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से इसको करेंगे। थर्ड को देखिए, देखिए थर्ड क्वेश्चन है साइन 5/2 माइनस, अभी बताया था एक प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन इनवर्स √3/2, तो ये हो गया साइन 5/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2, तो देखिए साइन 60 यानी π/3 की वैल्यू होती है √3/2, तो π/3 इक्वल टू कितना हो गया यहां से साइन इनवर्स √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 किसके बराबर होगा π/3, तो इसकी जगह आ गया π/3, तो ये कितना आ गया साइन एलसीएम 6 आ जाएगा 3π 2π 5π/6, ये आया साइन 5π/6, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, साइन 5π/6 की वैल्यू कितनी होगी, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं साइन पाई माइनस π/6 में, साइन पाई माइनस π/6 साइन π/5π/6 के ही बराबर होगा, लेकिन जब इसे हम सॉल्व करेंगे साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये किसके बराबर साइन π/6 के बराबर आ जाएगा, और साइन π/6 कितना होता है साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो आंसर हमारा क्या होगा 1/2, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है कोसेक इनवर्स x के, लेकिन कब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनेटिव, कोस इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है सेक इनवर्स x के, ये भी इसी के लिए, टेन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है कॉट इनवर्स x के, कब x ग्रेटर देन 0 है और अगर x लेस देन 0 है तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x होता है, यहां पर x अगर नेगेटिव होगा तो ये होगा, x पॉजिटिव होगा तो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, वो फिफ्थ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, x बिलोंग्स टू माइनस 1 से प्लस 1, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2, x belongs to minus infinitive to minus 1 and union 1 to infinitive,
यहाँ देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर हमें कहीं कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, या साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स की निकालनी है तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसी तरह से सेक इनवर्स की वैल्यू पाई बाई टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, आगे एक प्रॉपर्टी देखते हैं, आइए देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, एक्स इंटू वाई क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए, तब हम इसे अप्लाई करेंगे। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन वन है तो हम पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ये यूज करेंगे। ये गलती हो जाती है, ध्यान रखना कि एक्स वाई अगर लेस देन वन है तब हम ये यूज करेंगे, और एक्स वाई ग्रेटर देन वन है तब हम ये यूज करेंगे। इसके लिए ये और है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हों, लेकिन एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं तब एक्स वाई ग्रेटर देन वन है, तो यहां पाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस पाई। ठीक है, तब ये यूज करेंगे। फिर ये है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। इसके लिए क्या है, एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। इन प्रॉपर्टीज का काफी यूज है क्वेश्चंस में, तो उनको क्वेश्चंस में देखिए किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये देखते हैं इस प्रॉपर्टी पर, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तो x की वैल्यू 1 अपॉन 7, y की वैल्यू 1 अपॉन 13, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई क्या आ रहा है हमारा, लेस देन 1 ही आ रहा है, क्योंकि 1 अपॉन 13 इंटू 7 91, 1 अपॉन 91 लेस देन 1 है, तो वही पहले वाली प्रॉपर्टी लगेगी, टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 13 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन 13, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 13 और 7 20 हो जाएगा, नीचे एलसीएम से तो एलसीएम कट ही जाएगा, और नीचे ये कितना होगा 91 माइनस 1 यानी 90, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो कितना आ गया टेन इनवर्स 2 अपॉन 9, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करना है अब हमें, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, अब 2 इंटू 3 करें हम, x 2 है y 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, वो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, पाई प्लस वाली, तो ये हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, तो पाई प्लस टेन इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5 आ जाएगा नीचे, तो पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस 1, टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स 1, तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा ये 3 पाई बाई 4, तो ये वाला आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव करना है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें देखिए तीन वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले इन दोनों में वो फॉर्मूला अप्लाई कर लें, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कम है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 5 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 5, और ये एज इट इज टेन इनवर्स 1 बाई 8। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 5 और 2 7 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से एलसीएम, नीचे आ जाएगा 9 प्लस टेन इनवर्स 1 बाई 8। अब इसमें फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स 7 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 8, तो ये आ गया टेन इनवर्स 8 7 56 और 9
कितना हो गया 65 अपॉन 72। नीचे भी 72 आएगा एलसीएम, तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा। 72 माइनस 7 कितना आएगा, 65 ही आएगा। तो ये कितना आ गया, टेन इनवर्स 1। तो आंसर कितना हो गया, 5/4। तो इस तरह से ये होगा क्वेश्चन। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही कर रहे हैं, बाकी की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रह गई उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। बाकी की जो भी इसमें रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है, थैंक यू।